महुआ जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव फूलपुर बीजलपुर में तेंदुए ने एक खेत पर पानी चला रही महिला को अपना निवाला बना डाला, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गांव के लोग इकट्ठा होकर मौके पर पहुंचे, तब तक तेंदुआ महिला को अपना शिकार बनाने के बाद फरार हो चुका था। बता दें कि हसनपुर क्षेत्र के गांव फूलपुर बीजलपुर में 45 वर्षीय शारदा खेत पर पानी चलाने गई थी। उसी दौरान एक तेंदुआ आया और उसने आकर साधक पर हमला कर दिया, जिसके बाद शारदा को अपना निवाला बना डाला और शारदा की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो भारी तादाद में गांव वाले इलाके पर पहुंचे। उसके बाद वन विभाग की टीम और पुलिस को जानकारी दी गई। वन विभाग के जिला अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने हसनपुर रेंज के वन अधिकारियों को मौके पर भेजने के निर्देश जारी किए हैं। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हमला किसने किया था। इससे पहले की कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। इनसे बयान करने हैं सर। बताइए, ये जो मामला हुआ है इसमें क्या है और किस तरीके से वन विभाग की लापरवाही रही है? नहीं, मामला क्या है, ये तेंदुआ हफ्ता भर पहले भी इस तेंदुए को गरीब फूलपुर के जंगल में देखा गया, लोगों ने देखा और वहाँ काफ़ी तादाद में लोग रहे। वन विभाग की प्रशासन हमारी टीम सब आई हुए थे, लेकिन तेंदुआ भागने में कामयाब रहा, क्योंकि उस तरीके से इंतजाम हमारे वन विभाग वालों का नहीं है जो कि तेंदुओं को ये अपने कब्जे में कर लें। अब उसके बाद में महिला कोई तेंदुए को कुछ छेड़ नहीं रहा, ये तो अपना खेत का पानी लगा रही। पानी लगाते हुए तेंदुए ने इन पर हमला ऐसा करा कि उन्हें जान से मार दिया गया। लेकिन इसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वन विभाग को जो तेंदुओं को यहाँ ये चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है, मुवारिशपुर में पकड़ा गया, कुएं में गिर गया, मैं वहाँ भी पहुँचा तो वहाँ तो कुएं में गिर गया तो हाथ आ गया, अन्यथा इनके पास कोई ऐसी वो नहीं है जो कि तेंदुओं को ये अपने कब्जे में कर सके। जैसे मतलब उनको वन विभाग अधिकारियों को सूचना दी जाती है, सूचना देने के बाद में कब तक पहुंच पाते हैं, क्या इनकी लापरवाही देखनी? अभी मेरी बात ही में अमरोहा जा रहा, रास्ते में मुझे यहाँ से फ़ोन गया प्रधान जी का, तो वहीं से लौट गया। मैंने जब DFO को फ़ोन करा उनका फ़ोन नहीं लगा, फिर मैंने रेंजर को फ़ोन करा उनका फ़ोन लग गया, ना मैं हसनपुर पहुँच गया हूँ, पहुँचने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले आ गया। अभी आपके सामने मैंने उनसे फिर बात करी रेंजर साहब से कि आप नहीं पहुँचे, वो कह रहे हैं कि रास्ता ख़राब है, हम आ रहे हैं। तो अब कितनी देर में वो आते हैं, लेकिन थोड़ा ये रास्ता ख़राब है, ये हम भी मानते हैं गजरौली हसनपुर के बीच में। लेकिन इन तेंदुओं की इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं तेंदुओं की, तो इसमें हमें भी सोचना पड़ेगा। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस पर प्रशासन को, वन विभाग को सतर्क करा जाए, और हम लोग भी उच्च अधिकारियों से कहेंगे, हम लोग भी कहेंगे। सर, एक थाना हसनपुर में एक महिला को पानी चलाते हुए तेंदुए ने हमला कर मौत हो गई है, क्या है सर? हमको भी अभी सूचना मिली है मीडिया के थ्रू, और उसके बाद हमने अपने रेंज अधिकारी से बात किया, उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी जानकारी हुई है, वो अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा कि ये तेंदुआ ने हमला किया है या किस वजह से ये घटना हुई है, जैसे ही कुछ पता चलेगा।